कितनी सरकारें उल्टी पुल्टी हैं, कितनी पार्टियां तोड़ी मरोड़ी हैं, हम सब जानते हैं। महाराष्ट्र में वो इसमें कामयाब क्यों नहीं हुए आपके नजरिए से? मोदी शाह की तरफ से कोशिशें कम हुई हैं या उन्होंने हार मान ली? अब देखिए, हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो जो बातें कही मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि उनमें बहुत सारी सच्चाई और तथ्य उन्होंने दिए हैं कि किन कारणों से ये सरकार चल रही है निर्बाध रूप से। और ये बात भी सही है कि मोदी और शाह हार मानने वाले भी नहीं है, हम सब उनकी प्रकृति जानते हैं, उनका स्वभाव जानते हैं और उनकी राजनीतिक शैली भी जानते हैं। देखिए, 2019 के बाद दो सरकारें गिराई गई, एक कर्नाटक की, एक मध्य प्रदेश की। दोनों सरकारों के साथ क्या था कि जो मैजिक मार्क है ना, वहाँ गैप बहुत कम था। मध्य प्रदेश में 115 सीटें कांग्रेस की थी और 108 सीटें बीजेपी की थी, और कर्नाटक में 117 सीटें जेडीएस और कांग्रेस की थी और 108 में बीजेपी थी। तो मैजिक मार्क का गैप बहुत कम था, इसीलिए जो है आसानी से उसको पाया जा सकता था और वो पा लिया। मध्य प्रदेश में सिंधिया जी पूरी पार्टी लेके चले गए और कर्नाटक में 17 विधायकों के इस्तीफे करा दिए गए। राजस्थान में कोशिश हुई लेकिन राजस्थान में गैप बड़ा था, 32 विधायकों का गैप है, इसलिए राजस्थान में कोशिश कामयाब नहीं हुई और सचिन पायलट के साथ लोग नहीं जा पाए, अशोक गहलोत ने सरकार बचा ली। कमोबेश जो तमाम सारे तथ्य फैक्टर हमारे मित्रों ने गिनाए हैं, मैं उनको मानता हूं, उनको खारिज नहीं कर रहा, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि बीजेपी वहां 108 या 109 सीटों पर है और चाहिए आपको 146 सीटें, 100 ज्यादा, तो यानी कम से कम 40 सीटें आपको चाहिए, 40 विधायक चाहिए। तो 40 विधायक का मतलब पूरी एनसीपी या पूरी शिवसेना या पूरी कांग्रेस ही ले लीजिए, वो संभव नहीं है अब तो। इसलिए एक्का दुक्का 4-5 विधायक क्यों इस्तीफा देगा? वो निष्ठा वाली बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, निष्ठा विष्ठा आज के जमाने में किसी की कहीं है नहीं, सवाल सिर्फ स्वार्थ का है, राजनीतिक स्वार्थ का है और सत्ता का है। और विधायकों को लगता है कि भाई इस अगाड़ी के साथ, चूंकि वहां 40 लोग जा नहीं सकते, इस अगाड़ी के साथ जमे रहो, सत्ता यहाँ है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जो राष्ट्रीय राजनीति का दबाव बढ़ रहा है लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, खासकर पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद, तो ऐसे में बहुत कहते हैं ना, बिल्कुल सब कुछ सारी चीजें छोड़ करके, सारे लोकतंत्र की परंपराएं मर्यादाएं तोड़ करके और एकदम से आप पूरा ध्वस्त करके मुंबई में सरकार गिरा है, मुंबई में, वो अब बहुत कठिन है, कठिन क्या लगभग असंभव वाली स्थिति हो गई है। किया था इन्होंने, ऐसा नहीं है, जब रातों रात जो है देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी गई थी और अजीत पवार इधर आ गए थे, हालांकि बाद में वो उसको शरद पवार का मास्टर स्ट्रोक माना गया कि वो तो अजीत पवार को क्लीन चिट दिलाने के लिए सारा, शरद पवार ने व्यू रचना की थी जिसमें बीजेपी फंस गई, तो वो अलग एक बहस का विषय है, लेकिन वो कोशिश हुई थी। अब वो जानते हैं कि 40-45 विधायक तोड़ना संभव नहीं है, ऐसे में इक्का दुक्का का तोड़ने का फायदा नहीं है, वो तोड़ नहीं सकते, तो काहे के लिए अपने गुनाह बेलज्जत हो। और राष्ट्रीय एक सवाल है आप ही से है, सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने ये अघाड़ी के साथ चले गए, ये मुख्यमंत्री पद अगर अमित शाह मोदी जी दे दे तो एक तो वैचारिक रूप से दोनों आसपास हैं, दोनों हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, उस लिहाज से बड़ा कंफर्टेबल होगा। क्या अभी तक मोदी शाह के दिमाग में ये नहीं आया या इतनी उदारता उनमें नहीं आई है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद ऑफर कर दें, या उद्धव ठाकरे ने अब तय कर लिया कि नहीं अब हम वहां नहीं जाएंगे अगर मुख्यमंत्री बनाए जाए तो भी? देखिए क्या है कि मुख्यमंत्री पद ही तो सबसे बड़ा दीवार बनी बीजेपी और शिवसेना के बीच में। अगर मुख्यमंत्री पद, उद्धव क्या मांग रहे थे? उद्धव यही तो कह रहे थे कि भाई चुनाव के पहले तय हुआ था बंद कमरे में बातचीत में, जिसको बीजेपी मतलब जो डिनाई कर रही थी देवेंद्र फडणवीस, अभी शाह जी ने तो कोई कमेंट नहीं किया उस पर, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने डिनाई किया, लेकिन उद्धव जी बराबर कहते रहे कि ये तो तय हुआ था कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। तो मुख्यमंत्री पद अगर दे देते तो झगड़ा ही नहीं होता, तो मुख्यमंत्री पद तो दिया नहीं। और मुख्यमंत्री पद अब बिल्कुल सही है, जब तक मुख्यमंत्री पद आप ऑफर नहीं करेंगे, उद्धव ठाकरे क्यों जाएंगे बीजेपी के साथ? अब दूसरी बात यह है कि जितनी आजादी से सरकार उद्धव ठाकरे इस समय चला रहे हैं, बीजेपी के साथ जाकर के 53 या कितने 57 विधायक उनके हैं, उनको लेकर के क्या उद्धव ठाकरे चला पाएंगे? और वो भी तब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो और अमित शाह गृह मंत्री हो, वो या देवेंद्र फडणवीस चलने देंगे? तो एक कंफर्टेबल सरकार छोड़ करके उद्धव ठाकरे गुना बेलज्जत होने के लिए बीजेपी के साथ क्यों जाएंगे? एक फिर जो सारे बयान उन्होंने दिए हैं अभी तक, जिस तरह से अभी तक कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं आया है जिस मुद्दे को आधार बना करके उद्धव ठाकरे एनसीपी और शिवसेना से पीछा छुड़ा करके वापस जाएं बीजेपी की तरफ। और बीजेपी का ग्राफ जिस तरह से गिरा है पूरे देश में, खासकर कोरोना के दूसरी लहर के बाद, अर्थव्यवस्था की पटरी पर उतरने के बाद, उस
स्थिति में उद्धव ठाकरे वहां जा करके अपने गले में पत्थर क्यों बांधेंगे? अभी तो उनको लग रहा है कि हम जितना कंफर्टेबल यहाँ पर हैं, और जैसा कि अशोक भाई ने कहा कि अगर ये अगाड़ी मिल करके लड़ती है तो 48 में 40 सीटें जीत सकती है, जिस तरह का कॉम्बिनेशन है। तो उद्धव ठाकरे वो कंफर्टेबल पोजीशन 2024 के बाद चाहेंगे कि केंद्र में भी उनके कम से कम 20 विधायक 20 सांसद जीत के आए और उसमें जो है उनका एक मेजर शेयर हो। तो यहाँ की सत्ता बनी रहे, यहाँ की सरकार बनी रहे, और केंद्र में जो सरकार बने अगली, जिसके प्रधानमंत्री शरद पवार हो या ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, जो भी हो, अगर गैर बीजेपी सरकार बनती है, जो मोर्चा बन रहा है उसमें वो सरकार जाहिर है वो जैसी बीजेपी की सरकार केंद्र में है वैसी मजबूत सरकार तो नहीं होगी, वो तमाम दलों की मिलीजुली सरकार होगी, अगर होगी, अगर बनेगी। तो ऐसे में जो मेजर शेयर होगा वो सेंटर में मिलेगा शिवसेना को, और शिवसेना का एक उसमें दबाव भी होगा। तो ये दोनों चीजें छोड़ करके उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ अभी क्यों जाएंगे, कोई उसका मुझे नहीं लगता। और बीजेपी की स्थिति ये हो गई है कि इतना बड़ा नंबर जुटाना उनके लिए संभव नहीं है, तो वो सरकार गिराने की असफल कोशिश क्यों करेंगे ऑपरेशन का। ये कुछ स्थितियां ऐसी बन गई हैं जिस वजह से उद्धव ठाकरे, अब उद्धव ठाकरे ने क्या एक अकेले मुख्यमंत्री है, एक जब ये नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया तो ये सोशल मीडिया पे बहुत आया कि अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे नजदीक जो बीजेपी के लोग हैं उन तीनों लोगों को जो है उन्होंने बता दिया कि शिवसेना क्या है। उन्होंने पत्रकार जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको उनकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल गए, नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई जेल गई, और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का घर तोड़ दिया। तो मतलब तीनों को उन्होंने कुछ ना कुछ अपना दिखा दिया। फिर तीसरी बात कि शिवसेना जो है, शिवसेना कोई वो कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है या शिवसेना कोई जनता दल एस नहीं है, शिवसेना शिवसेना है। शिवसेना का अभी आपने देखा नारायण राणे वाले मामले में क्या हुआ, किस तरह से नारायण राणे को अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई, मतलब उनको घर के अंदर छिपके रहना पड़ा। तो शिवसेना वो है कि जिन उद्योगपतियों की आप बात कर रहे हैं, जिनके दबाने उनके सारे उद्योगों पर, उनकी सब जगह जो यूनियन के दफ्तरों में झंडे शिवसेना के लगे हुए हैं, तो उन उद्योगपतियों को भी मुंबई में रहना है। शिवसेना के साथ सीधी दुश्मनी कोई उद्योगपति नहीं लेगा कि वो थैली खोल दे और विधायकों की खरीद फरोख शुरू करा दे। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे इसमें जो है, उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है बन करके काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे बहुत साइलेंट ऑपरेटर है, जो कि अभी तुलसीदास जी ने कहा, इन्होंने हमारे जो मुंबई के पत्रकार हैं कि वो बोलते नहीं है, बहुत साइलेंट ऑपरेटर है। और जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया था वो तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के नेता हैं, तो वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं उसको दूसरे तरीके से कहूंगा कि राजनीतिक चतुराई उनके अंदर भरपूर है, जो कि आज की तारीख में होनी चाहिए, क्योंकि जिनसे मुकाबला है वो भी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। तो राजनीति के चतुर खिलाड़ियों के मुकाबले में उद्धव ठाकरे भी उतने ही चतुर खिलाड़ी हैं। और शरद पवार, निश्चित रूप से शरद पवार का एक रोल है, एक भूमिका है इस पूरे जोड़ने में। शरद पवार केंद्र की राजनीति में अपना भविष्य देख रहे हैं। अगर शिवसेना का, महाराष्ट्र आघाड़ी का ये चंक पूरा 48 सीटों का बना रहा तो शरद पवार आगे की राजनीति में अपने लिए एक बड़ी भूमिका देख रहे हैं वो 2024 में। उसके लिए शरद पवार कभी भी बीजेपी के साथ प्रत्यक्ष रूप से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, मुझे इसलिए विश्वास है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति गैर भाजपा राजनीति है। वो बेलआउट कर देंगे, वो मोदी जी से मिल लेंगे, मोदी जी से मिलकर किसानों की बात कर लेंगे, कुछ उन कभी कभी बयान ऐसे दे देंगे कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार को थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन वो कोई गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं करेंगे। गठबंधन वो तब भी नहीं किया था जब वो कांग्रेस से बिल्कुल लड़के अलग हुए थे, जब सोनिया गांधी के मूल के सवाल को लेकर भी अलग उठे, तब भी एनसीपी ने बीजेपी से गठबंधन नहीं किया था। तो इसलिए मुझे एनसीपी के गठबंधन को लेकर मुझे नहीं लगता कि गठबंधन एनसीपी बीजेपी से करेगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।